What's up guys, तो कैसे हो आप लोग भाई लोगों, आप मुझे पूछते रहते हो कि हम नेचुरल टेस्टोस्टेरोन बिल्ड कैसे कर सकते हैं, अपना नेचुरल टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट कैसे कर सकते हैं। जो आपको लगता है कि आप वर्कआउट अच्छा कर रहे हो, आपकी डाइट भी अच्छी, बट फिर भी आपका टेस्टोस्टेरोन बूस्ट नहीं होता है और आप मुझे कहते हो कि क्या हम स्टेरॉइड्स ले लें, हमारा टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ जाएगा तो हमारे मसल मास बढ़ जाएगा। तो मैं आपको स्ट्रिक्टली वार्न करता हूँ कि आपको स्टेरॉइड जैसी आर्टिफिशियल हार्मोन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने आपको बता रखा है कि आप नेचुरल चीज़ों से भी अपना टेस्टोस्टेरोन कुछ हद तक बूस्ट कर सकते हो, और वो कैसे कर सकते हो। एक प्रोडक्ट मैंने आपको बताया था, अश्वगंधा, और दूसरा प्रोडक्ट जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो मैं डेली बेसिस पे यूज़ करता हूँ गाइस, वो है ट्रिबुलस टेरेस्ट्रिस, मतलब गोक्शुरा। और मैं जो करंटली यूज़ कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ हेल्थफिट फिटनेस का। और गाय गोक्शुरा आपके लिए हेल्पफुल कैसे होता है, गाय गोक्शुरा एक मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए इतनी अच्छी हर्ब है कि उनका वो सीमन बढ़ाने में हेल्प करती है, उनका जो इरेक्टाइल डिसफंक्शन का कुछ हद तक ठीक कर देती है, उनका टेस्टोस्टेरोन बढ़ाने में मदद करती है, आपकी परफॉर्मेंस बढ़ाने में मदद करती है, आपकी जिम में आप कुछ लंबे समय तक वर्कआउट कर पाओगे। और अगर आप इसको नाइट टाइम बिफोर बेड लेते हो अश्वगंधा के साथ, तो आप देखना आपकी स्लीप के ऊपर भी कितना अच्छा असर होगा कि आपको एक अच्छी स्लीप आएगी। और आपको गाइस मैं बता दूं कि आपके टेस्टोस्टेरोन अच्छा होने के लिए, आपको टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाने के लिए आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले गाइस आपको वर्कआउट करना चाहिए, जितना वर्कआउट करोगे आपकी बॉडी की एबिलिटी उतनी बढ़ेगी टेस्टोस्टेरोन आपको बढ़ाने की, क्योंकि बॉडी की जरूरत बढ़ जाती है तो बॉडी को उतना कोशिश करती है कि जितना वो ज़्यादा से ज़्यादा अपना टेस्टोस्टेरोन बढ़ा सके। दूसरी चीज़ गाइस कि आपको अपनी स्लीप को प्रमोट करना होता है, स्लीप आपको अच्छी करनी होती है, वो अगर आप सोने से पहले अश्वगंधा और गोक्शुरा दोनों एक साथ लेते हो तो आपकी स्लीप बहुत अच्छे से प्रमोट होगी, और आपकी स्लीप अच्छी होगी तो आपकी बॉडी अच्छे से रिकवर होगी और आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल भी बढ़ेगा। और अगर तीसरी चीज़ यह है कि आपको अपनी डाइट में, अपने सप्लीमेंट में आपको एक नेचुरल हर्ब्स भी कुछ ऐड करनी चाहिए, जैसे अश्वगंधा हो गया, शतावरी हो गई, गोक्शुरा हो गया। ऐसी हर्ब्स अगर आप अपनी डेली लाइफ में ऐड करते हो तो आई गारंटी यू कि आपका जो टेस्टोस्टेरोन है कुछ हद तक, मैं वैसा नहीं कहूँगा कि लाइक स्टेरॉइड जैसे आपको रिजल्ट मिल जाएंगे, बट वो बैंड सब चांसेस हैं, वो कोई भी मैं यूज़ करने के लिए नहीं बोलूँगा आपको, बट नेचुरल हर्ब्स से आप, पक्षी बात नहीं करने दे रही, बट नेचुरल हर्ब से आप एक लिमिट तक अपने टेस्टोस्टेरोन को बढ़ा सकते हो और आपकी बॉडी को जल्दी रिकवर करने के लिए, जल्दी रिकवर होने के आप काबिल बना सकते हो। और अगर बात करूँ इसकी MRP की, तो वो गैस है 800 रुपये, बट आपको ये अमेजोन पे मिल जाएगा 500-550 रुपये के करीब। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक डाल दूंगा। और गैस साफ साफ इसके ऊपर लिखा हुआ है कि ये आपकी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को बढ़ाता है और आपकी टेस्टोस्टेरोन लेवल को बढ़ाता है और आपकी ऑप्टिमाइज़ करता है मसल डेवलपमेंट को। आपका टेस्टोस्टेरोन बढ़ेगा, चाहे नेचुरली बढ़ेगा, आपकी मसल साइज़ और मसल की क्वालिटी जो है वो भी बढ़ेगी। तो गैस आपको मैं रिकमेंड करूँगा कि आप अपनी डाइट में, अच्छे वर्कआउट के साथ, अच्छी डाइट के साथ, अच्छी स्लीप के साथ, अगर आप अपनी डाइट में, शेड्यूल में अगर आप ऐसी हर्ब्स ऐड करते हो तो डेफिनेटली आपको फ़ायदा हो सकता है। और गाइस हेल्थवीट के ट्रिबुलस में हमें क्या मिलता है, गाइस इसकी 2 टैबलेट की सर्विंग है, उसमें आपके लाइक पूरी डिब्बी में आपकी 45 सर्विंग रहती हैं, क्योंकि 90 टैबलेट है इसमें। और एक टैबलेट इसकी जो है वो है 1000 mg की, वो भी मैक्सिमम स्ट्रेंथ के साथ और 40% सेपोनिन्स के साथ। तो गाइस मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप इसको अपनी डाइट में ज़रूर ऐड करके देखिए और मुझे बताइए नीचे कमेंट करके कि आपको कुछ फ़र्क लगता है या नहीं लगता है। मैं तो इसको पिछले काफ़ी दिनों से यूज़ कर रहा हूँ, वैसे तो मैं ट्रिबुलस और गोक्शुरा जो लाइक अश्वगंधा है वो मैं पिछले 3-4 साल से यूज़ कर रहा हूँ। इसने मेरी हेल्प की है कटिंग के वक्त भी, जब मसल लॉस होने का डर होता है और जब गेन करना होता है तभी ये मेरी हेल्प करता है, क्योंकि मुझे स्लीप बहुत अच्छी आती है और मैं अगले दिन, नेक्स्ट डे जो होता है जब मैं सुबह वेकअप करता हूँ, तो मैं एक रिकवर फील करता हूँ अपने पिछले वर्कआउट से, तो आप वर्कआउट भी अच्छा कर पाते हो। सो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। कोई क्वेश्चन होगा तो नीचे पुट जरूर करना, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। तो मिलते हैं गाइस अपनी अगली वीडियो में, थैंक यू गाइस।